तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 आवर क्रैश कोर्स, जिसको हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्स भी कहते हैं। एक्सेल एडवांस, एक्सेल बिगिनर एडवांस दोनों हम लेके चलेंगे, क्योंकि पहले से आपको बहुत चीज़ें पता है लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपको कितना पता है। इसलिए धुना जी, मैं आपके साथ ऐसा लेके चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता है और आपको ऑफिस में काम करने लायक और वीवी को सीखने लायक जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। Okay. आप कभी भी सवाल, अगर टॉपिक कोई समझ में ना आया तो कभी भी सवाल पूछ सकते हैं, टॉपिक को रिपीट करवा सकते हैं। टॉपिक से बाहर के सवाल हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल का क्लास के बाद आप कभी भी पूछ सकते हैं। कोई क्लास के बीच में अगर आउट ऑफ द टॉपिक का सवाल पूछे तो टॉपिक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। टॉपिक से रिलेटेड जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। sure. चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारा फास्ट ट्रैक क्लास, कुछ सेकेंड्स में हम शुरू करते हैं। जो लोग मेरे YouTube पे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन करें, तब जब जब भी मैं लाइव आऊँ आप मुझे मेरे साथ ज्वाइन कर सकें। साथ में मेरी पूरी की पूरी वीडियोज आपको चाहिए सिक्वेंसली, क्योंकि YouTube पे सारे वीडियो सिक्वेंस नहीं है, आपको सारे वीडियो सिक्वेंस चाहिए तो आप इसके लिए जो है मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप अगर जमुना जी की तरह मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाकर डेमो क्लास का फॉर्म भरना होगा। वेबसाइट की डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ मेरे नंबर सब कुछ वहीं पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सेल के बारे में जानना, और एक्सेल को जानते हैं जमुना जी। सबसे पहले हम एक्सेल के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्सेल का आर्किटेक्चर क्या है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं एक्सेल एक वर्कशीट, एक स्प्रेडशीट है। एक्सेल जस्ट लाइक स्प्रेडशीट, अगर इसे हम कंपेयर करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि डिजिटल रजिस्टर है। पहले के जमाने में जो काम रजिस्टर पर हुआ करते थे, उस सारा का सारा काम जो है ये सिस्टम पे होता है, एक्सेल पे होता है। रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें खासियत क्या है? देखिए, एक्सेल में जो खासियत है वो है कि यहाँ हर एक सेल का एक पाथ है, हर एक सेल का एक एड्रेस है, जिससे क्या होता है कि आप कोई भी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, अब जैसे कि आप अगर पावर बीआई बात कर लीजिए या बात कर लीजिए एसक्यूएल सर्वर या और जो डेटाबेसेस है, उसमें क्या होता है कि वो फिल टू फिल की कैलकुलेशन होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया, क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू ले लिया, मुझे ग्रोथ निकालना है, तो इस यहाँ पे हम इजिली जो है कर सकते हैं कि भाई लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए B2, A2 इस तरह के एड्रेसेस हैं। ये एड्रेसेस बाकी चीजों में नहीं होते हैं, इसलिए एक्सेल बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर जहाँ हम कैलकुलेशन करने के लिए, किसी तरह के डिजाइन करने के लिए जो है वो फ्री होते हैं, फ्रीडम होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दो चीजें की जरूरत एक्सेल में पड़ती है। पहला सिलेक्शन मेथड, तो कुछ भी करने के लिए आपको एक्सेल में सिलेक्शन मेथड तो आना ही चाहिए। अगर सिलेक्शन मेथड नहीं आ रहा है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको कुछ भी करना है, आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना है, डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा ओपन करना है, एनीथिंग करना है, तो आपको चाहिए सिलेक्शन। बिना सिलेक्शन का आप पिवट नहीं लगा सकते, बिना सिलेक्शन का आप चार्ट नहीं लगा सकते, फिल्टर नहीं लगा सकते, डेटा शॉर्ट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। तो सिलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम सब शुरुआत करेंगे सिलेक्शन से। सिलेक्शन के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है रेफरेंसिंग सिस्टम, कि ये जो A1, B1, C1 है, जो फॉर्मर लगाते हैं उसका क्या रोल है और उसको कैसे हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं, क्योंकि उसके बगैर फिर फॉर्मूला के बारे में सोचना दिक्कत। अब इसमें हम बात एक छोटा सा डेटा लेते हैं। मैं अपनी क्लास में हमेशा रैन बिटवीन का फॉर्मूला यूज करता हूँ। रैन बिटवीन फॉर्मूला रैंडम नंबर शो करता है। जी हाँ, रैंडम नंबर। तो एक एरिया में यहाँ पे रहते हैं और इसको इसकी जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को रिप्लेस करने के लिए हमने कॉपी किया और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट रिलेटिव वैल्यू कर दूंगा। पेस्ट रिलेटिव वैल्यू कर दूंगा तो क्या करेगा, इसका फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा, मतलब जो नंबर्स है वो नंबर्स रह जाएंगे, फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। जैसे आपने देखा रैंडम फॉर्मूला यहाँ पे हट गया।
अब हमने सिलेक्शन के कॉपी पेस्ट करने के लिए सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन का क्या रोल है, मतलब कि किस तरह से सिलेक्शन हम इजीली कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने डेटा है तो इसके लिए सिलेक्शन दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम माउस की सिलेक्शन की बात करें कि हम माउस से कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो माउस से सिलेक्ट करने के लिए आप जो है इस तरह से क्लिक क्लिक को होल्ड करते हुए नीचे आते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि जब माउस सिलेक्शन करते हैं तो स्टार्टिंग पोजिशन पर क्लिक कर दें, और स्टार्टिंग पोजिशन क्लिक करने के बाद जो है शिफ्ट को प्रेस करें और नीचे लास्ट वाले पे क्लिक करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में या एंडिंग में कहीं भी सिलेक्शन करें, शिफ्ट को प्रेस करें, शिफ्ट की को, और ऊपर क्लिक कर दें, आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाए। ये माउस सिलेक्शन। बाकी कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो कीबोर्ड से आप अपना शिफ्ट और इसकी से सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए कंट्रोल ए आता है। कंट्रोल ए क्या करता है, कंट्रोल ए हमारा सेलेक्ट ऑल करता है। जी हाँ, सेलेक्ट ऑल इसको हम लोग करते हैं करेंट रीजन। आप यहाँ फाइन एंड सिलेक्ट पे जाएंगे, गो टू स्पेशल पे जाएंगे तो यहाँ होता है करेंट रीजन। तो एक रीजन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता है कंट्रोल ए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर बीच में आपका पूरा का पूरा रो ब्लैंक हुआ तो क्या होगा, सिर्फ ऊपर का डेटा सिलेक्ट होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट। सेम चीज आपका अगर कोई कॉलम पूरा का पूरा ब्लैंक हुआ तो सिर्फ आपका ए सिलेक्ट होगा, इसके बाद वाला डेटा सिलेक्ट होगा। ये पूरी की पूरी ब्लैंक होनी चाहिए, बीच में अगर कोई एक छोटा एक एक जगह भी टाइप किया हुआ है तो फिर पूरा सिलेक्ट कर लें। उससे अच्छा है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कीबोर्ड में देखेंगे एक एंड और एक होम, एक आ डिलीट के पास में आप अपना कीबोर्ड में देखेंगे तो दिखेगा दो कीबोर्ड दिखेगा, एक कीबोर्ड दिखेगा आपका एंड और दूसरा दिखेगा होम। तो एंड की में क्या करेंगे कि जैसे हमने एंड की प्रेस किया तो यहाँ देखिए नीचे एंड मोड आ गया, एंडी एंड मोड। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसी के सबसे लास्ट वाले सेल पे चला जाए, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करूँगा और फिर कंट्रोल के साथ माफ कीजिएगा शिफ्ट नहीं कंट्रोल के साथ जब एंड प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट है, और ऐसे ही कंट्रोल के साथ जब होम प्रेस करेंगे सबसे ऊपर है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट और एंड कर, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे एक एक्स्ट्रा कॉलम क्यों कर रहा है, देखिए जो कंट्रोल एंड है या कंट्रोल होम है ये क्या करता है, ये आपका यूज्ड सेल को करता है। देखिए भले ही इसमें डेटा नहीं है लेकिन मैंने इसको भी यूज किया है, ब्लैंक है फिर भी ये सिलेक्शन में लेगा क्योंकि हमने इसको यूज किया है। तो आप सबसे लास्ट में कर्सर रखें और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और आप होम कर दें तो पूरा का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट होगा। अब इसके बीच में कोई ब्लैंक रो है ब्लैंक सेल है इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका सिलेक्शन कर लेगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें आप कर्सर मूव की बात हुई तो एरो की सब कर्सर मूव करते हैं तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करोगे सबसे लास्ट में, राइट अप, इस तरह से कर्सर को मूव कर सकते हो। एक बार कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करोगे सबसे लास्ट में आ जाएगा डेटा, यहाँ सॉरी यहाँ पे आएगा। इसी में कंट्रोल शिफ्ट एरो यूज करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन होगा, देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन लेफ्ट इस तरह इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन की, तो कंट्रोल प्रेस करके जहां जहां आप क्लिक करेंगे वो एरिया आपका सिलेक्ट होगा। अब इस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कमेंटिंग करना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे आप कॉपी नहीं कर सकते। सर एक मिनट, इसमें ये लैपटॉप में मेरा जो है वो डेल का है तो इसमें होम वाला जो की होता है ना वो नहीं है। आपको देखिए ना डिलीट के आसपास होगा, एक ही क्योंकि दो होगा जो F1 से चलेगा। डिलीट के पास इंसर्ट है, प्रिंट स्क्रीन है, F2 है, F11, F10, होम वाला नहीं है। नहीं होना चाहिए, नहीं है। ठीक है,
मैं आपको बताता ये हूँ कि डेल का हाँ लेटिट्यूड है। मैं दिखाता हूँ, यही है ना कीबोर्ड आपका, हाँ ये ऊपर नहीं दिख रहा आपको एल होम? नहीं, इफ यू वांट मैं आपको भेज सकती हूँ इसका पिक्चर लेके, तो अपना वही स्क्रीन यहाँ पे मैं हाँ फोटो लेके भेजूँ क्या आपको? भेजिए भेजिए, हाँ मैं भी शायद आप शायद समझ पाए, मैं भेजती हूँ। ठीक है मैं भेज दूंगी बाद में, अभी ठीक कर है। लेता फिलहाल में। हाँ जी होम का एरर, तो यहाँ पे क्या है कि आप कंट्रोल प्रेस करके एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? लेकिन इसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपको कॉपी करना है तो मल्टी सेल सिलेक्ट करना है कंट्रोल वाला, तो आपको जो है सीक्वेंस कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कंट्रोल प्रेस किया हमने, इसको सिलेक्ट किया, सॉरी A1, C1, E1, H1, K1 किया, तो हमने कई सारे कॉलम को सिलेक्ट किया पर रो हमारा सेम है। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करूँगा तो क्या होगा, आप देखिए आपके सामने इकट्ठा पेस्ट हो रहा है, कहीं भी पेस्ट करूँ इकट्ठा पेस्ट होगा, चाहे हम अलग अलग कॉपी क्यों ना करें। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि मैंने ए से A4 कर लिया और C1 कर लिया और ई से E4 कर लिया या E5 कर लिया, मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता, मुझे सी को भी C5 तक सिलेक्ट करना होगा, C4 तक सिलेक्ट करना होगा, अब मैं कॉपी कर सकता हूँ और इसको पेस्ट जब करेंगे तो इकट्ठा पेस्ट होगा। तो मल्टीपल सेल सिलेक्शन में इसका ध्यान रखिएगा। साथ में अगर आपके पास शीट्स है, मैंने कई सारे शीट्स यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ, देखिए एक साथ हम कई सारे शीट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे A1 पे डेट लिखना है, हर शीट के A1 पे डेट लिखना है, तो आप एक शीट पे डेट लिख के वन बाय वन कॉपी पेस्ट करेंगे, एक शीट पे आपने डेट लिखा और वन बाय वन उसको आपने कॉपी पेस्ट किया, तो दिक्कत क्या होगा उससे? उससे दिक्कत आपका ये होगा कि 5 बार या 10 बार या 15 बार जितने नंबर शीट से उतना नंबर करना पड़ेगा। यह है कि आप शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ, एंटर वन। अब हर शीट के सेम पोजीशंस पे हमारा डेट डल गई एक ही बार, तो हमने पहले को सिलेक्ट क्लिक किया और शिफ्ट के साथ लास्ट वाले सीट पे क्लिक करके अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा, कुछ भी मूवमेंट करूँगा, वो हर शीट पे मूवमेंट होगा, लेकिन मुझे सारे शीट पे नहीं, कुछ कुछ शीट्स पे चाहिए, तो आप शिफ्ट के साथ नहीं कंट्रोल के साथ जाइए, कंट्रोल दबाइए Shift 3 एंड Shift 5। अब मैं कुछ भी करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइम डाल दिया तो Shift 1, Shift 3 एंड Shift 5 पे A2 पे आप देखेंगे आपका टाइम डाल गया। तो ये थी सिलेक्शन में था। सिलेक्शन के बाद हम बात करते हैं एड्रेसिंग सिस्टम की। जैसे आपने यहाँ पे इक्वल किया A1, सर बोलिए 1 मिनट, ये ना मुझे दोबारा आप बताएंगे शीट्स में जो हम सिलेक्शन किए हैं? देखिए, आप एक साथ कई सारे शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? ओके अगर पूरा का पूरा शीट सिलेक्ट करना है, एक फाइल में जितने भी शीट है सारा सिलेक्ट करना है, तो पहले शीट पे हाँ क्लिक करें, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शीट पे क्लिक करें, क्लिक होते ही राइट ये वाइट हो जाएगा, ऊपर ग्रुप आ जाएगा, राइट उसके बाद आप किसी शीट पे कुछ भी करेंगे हर शीट पे होगा, ठीक अच्छा, है सेम रेप्लिका बन जाएगा। जी जी ओके और उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर शीट्स पे जाना है एक किसी अपने हिसाब से, तो कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कीजिए, जिस पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आप जब भी कुछ करेंगे वो इसी सिलेक्टेड शीट पे जिस पे आपने क्लिक किया कंट्रोल के साथ उस पे काम होगा, सिंपल। ठीक है ओके आगे बढ़े जमुना जी, आगे बढ़े। यस 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 अब यहाँ हमने जैसे ये बात किया, यहाँ पे हमारा है A1, तो अगर मैं इक्वल के साथ A1 लिखूंगा तो A1 को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें A क्या है, A हमारा कॉलन है, 1 हमारा रो है, तो इसको एड्रेस बोला जाता है। अब सेम सीट पे है इसलिए आपका इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन किसी और सीट से अगर मैं
इस पे आऊंगा तो फिर उस सीट के नेम के साथ यहाँ देखिए कि सीट वन ए से, और सेल एड्रेस और सीट के बीच में ये हमारा सेपरेटर है। ऐसे फाइल में जाएंगे तो फाइल के साथ भी पूरा फाइल का पाथ आएगा। तो एक पाथ होता है, एक एड्रेस होता है। अब ये एड्रेस बनाया क्यों गया है, इसका बेनिफिट क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं, मान लीजिए कि जो ए कॉलम में जो नंबर लिखा हुआ है उसमें 20 ऐड करके मुझे बी कॉलम में लिखना है, तो आप मैनुअली यहाँ पे 85 प्लस अगर 20 करते हैं तो रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन फिर अगर ये 85 की जगह पे 75 हुआ तो फिर आपको यहाँ वापस अपडेट करना पड़ेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसका एड्रेस यूज करते हैं, इस पर क्लिक करते इसका एड्रेस आ जाता है A2। A2 मतलब A2 की वैल्यू आएगा, A2 प्लस 20, A2 प्लस 20, राइट। अब इसमें क्या है कि एक बेनिफिट और है, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं या नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं तो हर शीट पे जितने भी नंबर ऑफ शीट्स हैं, हर शीट सेल से माफ कीजिएगा शीट गलती से निकल गई, हर सेल पे आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे खासियत देखिए कि A1 A2 था, यहाँ पे A3 हो गया, यहाँ पे A4 हो गया, मतलब किसी भी फॉर्मूला को जब ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो उसका एड्रेस उसी हिसाब से चेंज होता है। अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर करूं तो ये घटेगा, बढ़ेगा नहीं। सेम कॉलम में भी होता है कि आगे की तरफ मैं ड्रैग करूं तो ये आपका ए बी हो जाएगा, अब पीछे की तरफ करूं तो बी ए हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो रोल नंबर इंक्रीज होता है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो आपका कॉलम का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, उसी तरह से जब वापस रिवर्स में आते हो तो डिक्रीज होता है। तो इसका एक बेनिफिट है, आप सोच लीजिए कि ऐसे अगर 10,000 नंबर्स होते हैं सबको अगर आपको 20 ऐड करना होता तो मैनुअली ऐड करना पड़ जाता ना, पर ड्रैग करना है कॉपी करने से फायदा हुआ कि हमने एक सेल पे फॉर्मूला लगाया और नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया। अब इसमें एक खासियत और भी होती है कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 20 मैंने लिख दिया D1 पे, अब मुझे D1 की जो 20 है उसको प्लस करना है, तो इसमें हमने प्लस इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग करते हैं। तो नीचे की तरफ जब ड्रैग किए तो देखिए जहाँ D1 था वहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि जब ये कॉलम ए का रेफरेंस बढ़ेगा तो कॉलम बी का भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे मुझे डी को नहीं बढ़ाना है, डी को अब्सोल्यूट करना है, फ्रीज करना है, तो इसके आगे हम डॉलर साइन लगा दें। हमें रो के आगे डॉलर साइन क्यों लगाया, क्योंकि जब मैं टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो हमारा रो जो है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो रहा है, तो इसको रोकना है, इसलिए हमने इसको लगा दिया। तो हमने अभी सिर्फ रो को फ्रीज किया, वन को फ्रीज किया, डी को फ्रीज नहीं किया, मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट ड्रैग करूंगा तो डी जो है ई हो जाएगा। आप चाहते ना हो तो इसके आगे हम डॉलर लगा दें, तो दोनों तरफ डॉलर लगा या कॉलम के आगे लगा या रो के आगे लगा, ये आप जो फॉर्मूला जो ड्रैग कर रहे हैं और फॉर्मूले के जो इनपुट्स हैं इनपुट किस हिसाब से इंक्रीज हो और डिक्रीज हो इस पे डिपेंड करता है, तो ड्रैग करने से पहले आपको इसको सोचना होगा। बाकी चीजें हम फाइल मेनू बार में कोई खास है नहीं बढ़ाने के लिए, आप इसमें अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, इसमें ऑप्शंस के अंदर में कुछ और चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपका इसमें सेव में आप अपना डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट और सेविंग लोकेशन सेट कर सकते हैं, इसे आप कंट्रोल एस करते हैं तो कंट्रोल एस करते समय बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट आता है, लेकिन जनरल आदमी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव नहीं करता है, क्या करता है किसी और फोल्डर या फाइल में सेव करता है और बहुत अंदर होता है तो जाना पड़ता है, तो यहाँ से आप अपना सेट कर सकते हैं। एडवांस में छोटी मोटी चेंजिंग होती है, जैसे कि आपने यहाँ से चेंज राइट कर लिया तो एंटर मारने पर राइट होगा, अगर आपने मान लीजिए इसको अनचेक कर दिया तो ड्रैग नहीं कर सकते, इसी तरह की चीज़ें होती है। तो इसमें एक नई चीज़ जो आप सीखने लायक हो सकता है कस्टम लिस्ट। क्या होता है कस्टम लिस्ट? कस्टम लिस्ट होता है जैसे मैंने यहाँ पे पूजा लिखा और जब ड्रैग करूंगा तो देखिए पूजा नेम लिस्ट है।
आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जैन लिखते हैं, और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो जैन फैब मार्च आता है। इसमें आप जो है संडे लिखते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे आता है। उसी तरीके से मैंने पूजा लिखा, नीचे ड्रैग किया तो लिस्ट आया, बट आपके सिस्टम में जब करेंगे तो सिर्फ पूजा पूजा ही आया इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट तैयार नहीं कर रखा है। तो लिस्ट कहाँ से तैयार करेंगे? इसके लिए आपको फाइल मेनू बार के ऑप्शन में जाना होगा, और ऑप्शन के अंदर आपको एडवांस में सबसे नीचे जब आएंगे तो यहाँ दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट पे आप जाएं और न्यू लिस्ट पे यहाँ पे अपना लिस्ट बना लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, कहीं किसी सेल पे बनाया हुआ है सेलेक्ट करके इंपोर्ट करें, और ये आपका एप्लीकेशन के अंदर ये सेट हो जाएगा। तो किसी भी फाइल के ऊपर आप वो, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी सिटी लिखूँ और ड्रैग करूँ तो सिटी से आगे हमारा कंटिन्यूस सिक्वेंस बन जाएगा, और इसका यूज हम आगे हम सॉर्टिंग में भी करते हैं। तो कस्टम लिस्ट, एक मिनट, हम एक्सेल ऑप्शन में गए, एडवांस में गए, एंड देन एडिट कस्टम लिस्ट। ये कौन से टैब में है? इसमें जर्नल के अंदर नहीं, एडवांस का अपना अलग टैब है। एडवांस में कहाँ पे है? सबसे नीचे जाना। अच्छा 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 नीचे, हाँ राइट राइट। मैम मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले अच्छे से आप जॉब कर ले, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना? तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई चीज लिखना पड़े छूट जाएंगे, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ ना, पता चला कि आप कर रहे हैं, आपके ध्यान आपके अपने सिस्टम पे और मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छे से यहाँ ऑब्जर्व कीजिए पहले, ठीक है? प्रैक्टिस क्लास के बाद कीजिएगा, रेफरेंस में आप वीडियो ले लीजिएगा या फिर मेरा टेलीफोनिक सपोर्ट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद इसी में कस्टमाइज रिबन पे आप आएंगे तो इसमें मेनू बार वगैरह, जैसे कि मेरा डेवलपर मेरे पास है, आपके पास डेवलपर बाय डिफॉल्ट नहीं होता है तो डेवलपर टैब लेके आ सकते हैं यहाँ से। आप बोलेंगे इसी मेरे पास एक पावर पिवट भी है, तो पावर पिवट के लिए हमने एडिंस में इंस्टॉल किया था, तो ये पावर पिवट की क्लास में आपको सिखा दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं नॉट कमांड इन द रिबन, जो रिबन में नहीं है उसको आप किसी भी रिबन में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड नहीं होगा तो आप न्यू ग्रुप बना के ऐड कर लीजिएगा या न्यू टैब बना के ऐड कर लीजिए, नया टैब भी बना सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं होम मेनू की तरफ। होम मेनू में हमारा एक क्लिप बोर्ड है, तो मैम आप लोग कॉपी पेस्ट तो करते होंगे ना? बहुत कुछ होता है सर, ये कॉपी पेस्ट तो करते हैं, नहीं कुछ रहा कॉपी पेस्ट तो होता ही है, कॉपी पेस्ट के बिना क्या चलेगा। हाँ, तो कॉपी पेस्ट में एक होता है पेस्ट स्पेशल, तो चलिए पेस्ट स्पेशल में जानते हैं। पेस्ट स्पेशल भी आप यूज करते ही हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो जानना आपको जरूरी है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बनाया ताकि आपको इफेक्ट पता चले कि क्या इफेक्ट हो रहा है। वैसे मान लीजिए कि इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह मैं कर देता हूँ यहाँ से, और इसको कॉपी करके कहीं और करता हूँ, तो अगर आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते तो पूरा आता है। आप फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला आता है, मतलब जो फॉर्मूला वाला विजुअल उस होता है। आप अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला नहीं चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए, तो पेस्ट चीजें वैल्यू कर देते हैं तो वैल्यू आता है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि फॉर्मूला रिमूव करेंगे पेस्ट चीज वैल्यू, आप उसी लोकेशन पर कर दे तो फॉर्मूला आपका रिमूव हो जाता है। बाद बाकी इसमें आपको पेस्ट चीज फॉर्मेट है जो किसी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। कमेंट्स, कमेंट्स पता है आपको पूजा जी क्या होता है? किसी सेल से कमेंट्स, कमेंट्स हाँ पता है वो क्या होता है? नहीं मैंने कभी यूज नहीं किया है यहाँ पे। तो ये कमेंट्स क्या, नहीं कमेंट्स क्या होता है मैम? मुझे सिर्फ कमेंट को ही पेस्ट करना होता है, तो कॉपी कीजिए सेलेक्ट कीजिए पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए कमेंट्स।
यहाँ पे एक और चीज आती है, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट की कॉलम की विड्थ हम अपने हिसाब से सेट कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं, कभी बड़ा कर लेते हैं। लेकिन जब इस डेटा को हम कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि मेरा कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी कॉपी पेस्ट कीजिएगा, पेस्ट वैल्यू पेस्ट फॉर्मूला, तो आपका कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होगी। नतीजा क्या हुआ, और फिर से दोबारा पूरा सेटिंग चेंज करना ताकि एक पेज पे प्रिंट हो चाहे एक पेज पे व्यू हो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पेस्ट स्पेशल में आप यहाँ पे होता है पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ, पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ करते हैं तो एक कॉलम की विड्थ पेस्ट करता है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है ना, अगर आप पेस्ट स्पेशल करते हैं, पेस्ट स्पेशल में सिर्फ कॉलम विड्थ रखते हैं तो इससे सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट करेगा, बल्कि आपका डेटा पेस्ट करेगा, सिर्फ कॉलम की विड्थ को पेस्ट करेगा। तो दोनों करने के लिए अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो पेस्ट स्पेशल में जो आइकन्स होते हैं ना, ये आइकन्स होते हैं, इस आइकन्स में एक आइकन ये दिखेगा जो होता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ये डेटा भी रखेगा और कॉलम की विड्थ भी रखेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती होगी जो आपके डेटा में डेट होता होगा, और डेट को जो आप पेस्ट करते होंगे तो क्या होता है, डेट जो है एक नंबर बन जाता है ना जब पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो। तो कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ये नंबर होता क्या है, जो 44203 आया ये है क्या? अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर एक कोड है, एक्सेल जो है ना डेट को ऐसे कोड में रखता है, डेट का कोड है, एक कहना गलत है, ये डेट का कोड नहीं, ये नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज। देखिए क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर का जो कैलेंडर है वो स्टार्ट हुआ है 1st Jan 1900 से, और 1st Jan 1900 से जब आप डेट डालते हैं, जो डेट डालते हैं तब तक कितने नंबर ऑफ डेज है वो ये है, समझ गए? Right. अब इसको साबित कैसे करेंगे, तो साबित करने के लिए आप वन लिखिए कि पहला दिन, इसके ऊपर आप जो है डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, आपको याद दिख रहा है 1st January 1900, तो इससे साबित हुआ कि पहला जो डेट है ये 1900 है, मतलब इससे पहले का, जैसे मान लीजिए हमने 10th July 1874 लिखा, दिस इज नॉट ए डेट, इस पर किसी भी तरह का कैलकुलेशन, किसी भी तरह की चीज़ें नहीं हुई क्योंकि सिस्टम ने इसे डेट रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, इसको क्या रिकॉग्नाइज किया है, एज ए टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं 32 डालता हूँ तो क्या होगा, 1st February, 30 के बाद 31 के बाद महीना चेंज हो गया, 367 डाला तो ये यहाँ देखिए ईयर चेंज हो गया, ऐसी मैं 44003 दिन लिखूंगा तो ये आपका 7 February जो क्या नला हो वो डेट आ गया 7 February। अब अगला क्वेश्चन है, मन में ये निकल सकता है कि प्रोग्रामर ने इतना झमेला क्यों किया, तो ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम कहता है कि आप किसी भी नंबर और टेक्स्ट या टेक्स्ट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अगर डेट इतना का डेट अगर होता टेक्स्ट में तो इस पर हम प्लस कुछ करते तो प्लस होता ही नहीं, और जो प्लस 1 February हो रहा है वो 12 Jan पे नहीं, ये आपके 44208 पे हो रहा है, रिजल्ट 1 February नहीं 44228 आ रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया। अब जब पेस्ट एज हम वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट, और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है तो उसको रिमूव कर देता है। तो अगर आपको चाहते हैं कि डेट टाइम नंबर फॉर्मेटिंग को रखे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल करें, और जो जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते नहीं है, हम लोग जाए वैल्यू पेस्ट करते हैं और फिर डेट या टाइम जो भी फॉर्मेटिंग मिसिंग होती है फॉर्मेटिंग करते हैं, राइट है मैम? यस, मोस्टली मैं भी करता था जब मैं ट्रेनिंग नहीं देता था, तो ट्रेनिंग देते समय जब देखा हो यार ये अच्छी चीज है तो आपके सामने होता है डेली मैं इसको देखता हूँ, ये रहा। अगला क्वेश्चन आता है ऑपरेशंस, जैसे यहाँ पे हमने 20 लिया, यहाँ पे 30 लिया, राइट,
अब 20 को 30 के ऊपर पेस्ट स्पेशल से या नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, रिप्लेस होगा। लेकिन इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल से अगर मैं यहां पे करता हूं मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट, एडिशन ले लीजिए, तो अब क्या होगा, जहां से कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है उनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और जो फाइनल रिजल्ट है वो पेस्ट होगा, मतलब कि 50। समझे मैम? यस। अब यहां पे क्वेश्चन आता है इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट के लिए आपको थोड़ा सा परसेंटेज की सिस्टम में चलना होगा। मान लीजिए मुझे यहाँ 20% लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं 20% का सैंपल देते हैं और फिर एंटर मारते हैं, 20% आ गया। लेकिन मैं 20 लिख दूं और बाद में कभी इसके ऊपर सेलेक्ट करके परसेंट करूं तो क्या होगा, 2000%। एक्सेल में 1 = 100% होता है। क्या होता है, 1 = 100%, राइट? अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर मुझे बाद में आपको परसेंटेज लगाना हो तो आपको यहां पे 0.20 लिखना होगा, 0.20, फिर इसके ऊपर आप परसेंटेज लगा सकते। अब होता है क्या था कि हमारे एक कलीग थे, मुझे एक डेटाबेस देते, एक कलीग हमारे हमें एक डेटा भेजते थे और डेटा कुछ इस तरह से होता था और वो परसेंटेज का सैंपल दे देते। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 44 परसेंटेज का साइन देंगे तब होगा, 37 परसेंटेज साइन देगा तब होगा। अब ऐसे अगर हजारों डेटा है तो काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम इस वाले मेथड को अपनाते थे, हम क्या करते थे कि 100 को एक सेल में लिखते थे, फिर इसको कॉपी करते थे और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ करते थे डिवाइड। डिवाइड करते ही वो परसेंटेज में चला जाता था और फिर जैसे परसेंट का सिंबल देते हैं ये देखिए परसेंटेज। आई समझ में आया, रिपीट करो प्लीज, रिपीट ना, ध्यान से देखिएगा, चाहे तो आप साथ साथ कर भी सकते हैं। आपको क्या करना है कि ये आपको एक अलग सेल पे 100 टाइप करना है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर मैं 44 को 100 से डिवाइड करूं तो ये 44 0.44 आएगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 44% आ जाएगा। तो हमने एक अलग सेल में 100 को टाइप किया, फिर उस 100 को एक एरिया में सिलेक्ट, उस एरिया को सिलेक्ट किया। एक सेल को कई सारे सेल पे पेस्ट किया जा सकता है, ठीक है? तो एक एरिया को सेलेक्ट किया, फिर पेस्ट स्पेशल, और इस पेस्ट स्पेशल में हमने क्या करेंगे, डिवाइड को सेलेक्ट करेंगे। या ऑपरेशन वाले सेक्शन में हमने डिवाइड को सेलेक्ट किया, देन ओके। तो हर नंबर 100 से डिवाइड हो गया और डेसिमल में आ गया। अब मैं इस पे इजीली परसेंटेज का सिंबल लगा सकता हूं, ठीक है? क्लियर है मैम? यस। सिंपल सा। उसके बाद इसमें कुछ छोटे छोटे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं पेस्ट स्पेशल में। कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, सॉरी मैं मैंने यहां पे एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के कुछ नंबर्स हमने यहाँ पे ले लिया। अब मुझे इस नंबर्स में कुछ नंबर्स हैं जो कि इस तरह से है। तो मैं चाहता हूं कि
आपकी जो नंबर है वो अपडेट हो जाए, मतलब कि जो ब्लैंक है वो सही है, मतलब कि मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा तो ब्लैंक वाला भी पेस्ट हो जाता है। नहीं, जो जिसके सामने ब्लैंक है वो करेक्ट है, उसको जैसा है जैसा रखना है। तो हमें पेस्ट किसको करना है, जिसके सामने वैल्यू है। तो इस तरह से अब वन बाई वन करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, पूरे इसको कॉपी किया, इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और हमने स्किप ब्लैंक कर दिया, स्किप ब्लैंक। ये क्या हुआ कि सबको पेस्ट किया, सिर्फ ब्लैंक को इसने पेस्ट नहीं किया। उसके बाद ट्रांसपोज, आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ये जनरली लोगों को पता होता है इसलिए बोल रहा हूँ। यस उसके बाद आते हैं पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट एज ए लिंक। अब पेस्ट एज ए लिंक क्या होता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि एक सेल पे जो हम टाइप करें वो अगले सेल पे अपडेट हो जाए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो मार्क्स B2 में है वही मार्क्स यहाँ H2 में भी दिखे, और B2 जब अपडेट करूँ तो H2 अपने आप अपडेट हो जाए। इसके लिए आप लोग इक्वल प्रेस करते हैं ना, इक्वल प्रेस करके सिलेक्ट करके और फिर इसको ड्रैग करते होंगे, जो लोग ऐसे ही करते हैं शायद आप भी ऐसे ही करते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे पूरा नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे इंदर का नहीं चाहिए, मोहन का नहीं चाहिए, तब तो फिर यहाँ से आपको डिलीट करने पड़ेंगे ना। तो इस केस में हम आपको सलाह देंगे कि आप एरिया सेलेक्ट कीजिए, आपने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल से, हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। मतलब जिस एरिया को लिंक करना है उसको आप कॉपी कर लीजिए, और पेस्ट स्टेशन में पेस्ट एज ए लिंक होता है, पेस्ट एज ए लिंक कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो भी चेंज होगा, 41 को अगर मान लीजिए 410 कर दिया तो एंटर मारते हो, एंड सेम सीट अनदर फाइल सब पे कर सकते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना है इमेज में, तो आप इमेज भी कर सकते हैं, इसे पेस्ट के नीचे जहाँ ये देखिए पेस्ट के नीचे आपको अदर पेस्ट ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पेस्ट एज ए पिक्चर दिखेगा। अब पिक्चर हो गया तो अब इसको छोटा कर दीजिए, बड़ा कर लीजिए, रोटेट कर दीजिए, कर सकते हैं, बट इसके अंदर जो टाइमिंग लिखा हुआ है वो चेंज नहीं कर सकते, या फिर आपने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया तो ये अपडेट नहीं होगा, दोबारा से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अपडेट भी हो तो पेस्ट से पिक्चर नहीं, पेस्ट से पिक्चर लिंक का यूज करेंगे। पिक्चर लिंक क्या हुआ, इसके साथ लिंक हो गया, अब इसमें जो भी चेंज होंगे एटलीस्ट आप कलर भी चेंज करेंगे तो ये अपने आप को चेंज करेंगे। कोई नंबर आपने चेंज किया तो नंबर भी चेंज हुआ, इसको आप सेम सीट अनदर फाइल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब पे रख सकते हैं। अब यहां से मान लीजिए कुछ डेटा बढ़ता है, हमने यहां पे लिख दिया इंदर, तो इसमें फिर अपडेट कैसे होगा, तो हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी फॉर्मूले से लिंक होता है। ये देखिए A1 से B7 का फॉर्मूला है, B7 को चेंज करके आप एड कर दीजिए। कैसे किया मैंने, आपको पहले क्लिक करना है पिक्चर के ऊपर, जैसे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार में दिख जाएगा, फॉर्मूला में दिख गया, अब 7 को आप यहां से एड कर दीजिए। ठीक है, चेंज हो गया, डाउट इसमें। चलिए उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज तो नॉर्मल है, फॉर्मूला में एंटर हो गया, कलर करना, बॉर्डर करना, मर्ज अनमर्ज, तो ये चीज़ें तो जनरली आपको आता भी होगा, न भी आता होगा तो आप इसको करके भी सीख सकते हैं, इसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जमना जी, इसमें जो है फॉर्मेटिंग में आते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग में आते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग में बाकी फॉर्मेटिंग तो नॉर्मल है, जो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपडेट चेंज करें, टाइम चेंज करें, परसेंटेज करें, इसमें एक कस्टम है जो आपको बताने की जरूरत है। तो चलिए कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में हम जानते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज जो होता है वो होता है इस पे कि एक पर्टिकुलर हमने कोई टेक्स्ट लिखा, एक नंबर लिखा है, इस नंबर को मैं कुछ और शो करना है, जैसे मुझे शो करना है MRP 500, तो आपने MRP 500 अगर मैनुअल लिख दिया तो इस पे आप जब जाएंगे तो +20 या कुछ ऐसी कैलकुलेशन करेंगे जो कि जरूरत पड़ सकती है वो नहीं होगा,
क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि विजुअल तो ऐसा हो बट इस पे हम कैलकुलेशन भी कर सके। इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि नंबर वाले सेक्शन के सबसे लास्ट में होता है। यहां हमने लिखा इन्वर्टेड कॉमा में MRP, हमने क्या लिखा इन्वर्टेड कॉमा में MRP। अब इसके आगे मुझे जीरो और हैश लगाना पड़ेगा। अगर मैं जीरो या हैश ना लगाऊं तो क्या होगा, सिर्फ MRP शो होगा। अच्छा शो हो रहा है MRP मतलब एक्चुअल में 500, क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग आपके डेटा की विजिबिलिटी को चेंज कर सकता है, ओरिजिनलिटी को नहीं। आपने जो टाइप किया है वही रहेगा, बस वो दिखावा आ रहा, उसकी विजुलाइज जो है उसकी जो जो दिखता है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट MRP शो हो रहा है, तो मुझे आपका अपना 500 भी शो करना है, तो उसके लिए मुझे MRP के बाद जीरो या हैश लगाना होगा। अगर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जीरो या हैश लगाइए, लेकिन आप डबल जीरो लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपने डबल जीरो लगा दिया तो क्या होगा कि अब मैं 5 लिखूंगा तो यहाँ 0 5 मतलब दो डिजिट को मेंटेन करेगा, राइट। अब इसमें आगे जो बढ़ते हैं कि अगर मैं दो हैश लगा दिया तो क्या होगा, तो दो हैश लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हैश डिजिट को मेंटेन नहीं करता है, हैश डिजिट को मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। यस अब इसमें अब इसी का बेनिफिट देखिए, इसे चेक नंबर है आपका, तो चेक नंबर किसी ने लिख के दिया उसने जीरो नहीं लगाया, क्योंकि जो जिस अगर 6 डिजिट का है तो ठीक है, जो मान लो कभी कभी क्या होता है कि 5 डिजिट का होता है 0 0 0 इस तरह से होता है, जीरो लग जाता है जितना डिजिट कम होता है। तो यहाँ आप कस्टम प्यार यहाँ 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 टाइम 0 डाला तो ये 6 टाइम लगा दिया। अब जैसे मोबाइल नंबर मेरे पास है, मोबाइल नंबर मैं चाहता हूँ कि +91 लग जाए, +91 लग जाए, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और कस्टम इसमें +91 और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या एक भी हैश दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जीरो क्यों नहीं लगाया, अगर जीरो लगाता कोई नंबर अगर यहाँ गलत लिखता तो क्या होता कि वो जीरो जीरो लगा के पूरा बराबर कर देता, देखने में पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे गलती हुई है, गलत नंबर डाला हुआ है। अब इसे मान लीजिए कि मेरा एक क्रेडिट कार्ड नंबर का डेटा है, राइट, यहाँ इस तरह से क्रेडिट कार्ड नंबर का डेटा है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर का डेटा कुछ इस तरह से होता है 4152 मतलब मुझे 8 डिजिट ही मिलते हैं, पहला 4 लास्ट का 4 और बीच में जो होता है इस तरह से एक्स 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 लगा होता है। तो जब मैं टाइप करता हूं तो मुझे मैनुअली इस तरह से टाइप करना पड़ता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ 8 डिजिट कंटिन्यूअस टाइप कर दूं और बीच में एक्सेस अपने आप लग जाए, जैसे कि आपने यहां MRP लगाया। ये चीजें भी आप कर सकते हैं, आप यहां नंबर पे आए, कस्टम पे आए और यहां पे सिंगल कोट यहां सॉरी 1 2 3 4 इन्वर्टेड कॉमा में एक्स 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 स्पेस एक्स 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 फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 टाइम 0 हमने दे दिया, ठीक है जमुना जी। यस हाँ इसमें हम कहीं हैश का यूज़ करते हैं, आपने क्या बोला था, हैश का यूज हम कब करते हैं जब हमें डिजिट मेंटेन नहीं करना होता है, मतलब जीरो जो मान लीजिए कि अब इसी में देख लीजिए ना, अगर मान लीजिए कि मैं 7 डिजिट डाल दूंगा ना तो जीरो लगा देगा आगे, वो 9 के जगह पे 0 हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ जीरो लगा दिया ना, हैश ऐसा नहीं करता, ऐसे यहाँ पे देखिए इसने जीरो नहीं लगाया, ठीक है राइट। अब ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 25,000 लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अमाउंट इन थाउजेंड में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे कस्टम और यहाँ पे
हैश दे दीजिए एक कॉमा दे दीजिए, उसके आगे कुछ लिखना चाहते हैं सिर्फ के या कुछ और लिखना चाहते हैं, 1000 लिखना चाहते हो 25 के। अब मान लीजिए मुझे 1000 इसमें ऐड करना है, तो ऐसा नहीं कि फिर 1025 होगा, ये 26 के आएगा, क्योंकि ओरिजिनल तो हमारा वही है ना, फॉर्मूला हमारा ओरिजिनल पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो इसी तरह से जीरो हैश को आप उल्टा मतलब कि अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं और एक नया चीज ले सकते हैं। ठीक है, कस्टम फॉर्मेटिंग में आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा बीवीएम इसकी जरूरत पड़ती है, तो एक आर्टिकल है जो कि हम हर किसी को देते हैं, ये आर्टिकल हम आपको भी मेल कर देते हैं, आप टाइम निकाल के उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। बस सर, आपने जो कल मेल किया था ना वो मेरे को नहीं पहुंचा, एक मिनट देख तो लेते हैं। आप आपके सामने मैंने ईमेल आईडी डाला था, वो आपने इसमें चेक किया था और स्पैम में चेक किया है, मेरा आईडी आपकी यही है ना? एक मिनट तेरा कैमरा अंदर से हां हां तो स्पैम चेक नहीं किया मैंने, हां स्पैम में चला गया। तो एक एक आर्टिकल है कस्टम फॉर्मेटिंग की, वो मैं आपको भेज देता हूँ। आया है स्पैम में था, हाँ स्पैम में था। चलिए, तो जो कस्टम फॉर्मेटिंग में बताया उसमें और भी क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते थे इस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट की क्लासेस में मैं इसको 2 घंटे में पढ़ाता हूँ, 2 घंटे की क्लासेस होती है, लेकिन 2 घंटे का मैं सिर्फ कस्टम फॉर्मेटिंग में दूंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये आर्टिकल दे देता हूँ ताकि आप इसको पर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमसे फोन पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको भेज दिया, सेम इससे फाइल के नाम से गया है। ठीक है, अब कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद बात होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें चाहिए एक डेटा, क्योंकि हम डेटा के बगैर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम जाते हैं डेटा, एक डेटा लेते हैं यहाँ पे पहले, एक ऐसी सैंपल डेटा हमने ले लिया, टेस्ट स्पेशल वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। चलिए, अब डेटा है, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाइए या नॉर्मल कस्टम फॉर्मेटिंग लगाइए या नॉर्मल फॉर्मेटिंग लगाइए, उसमें क्या होता है कि जहां आपने कर्सर रखा और क्लिक किया वही फॉर्मेट होता है, बाकी फॉर्मेटिंग नहीं होता है। मतलब उससे मतलब नहीं है कि ये इस पे वैल्यू क्या है, इसके अंदर क्या टाइप है, क्या हो, इसने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया तो कर दिया। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप अपने कंडीशन के हिसाब, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें जो ग्रेटर देन 50 है वो कलर हो जाए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ हाईलाइट सेल्स रूल्स, इस तरह से कई सारे कैटेगरी है, सबसे पहले हम यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाते हैं जहाँ यहाँ ग्रेटर देन आपको दिख रहा है, ग्रेटर देन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने अपना नंबर डाल दिया। अब इससे जो बड़ा था वो हाईलाइट हुआ, लेकिन डिफॉल्ट कलर से हुआ, कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि अपने हिसाब से जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ चूज कर सकते हैं, उस कलर से यहाँ आपका हाईलाइट होगा। अगर आपको खुद का कलर चाहिए तो कस्टम पे जाइए और कस्टम पे जाने के बाद अपनी जो कलर चाहिए वो कलर चूज करके ओके कर दीजिए, आपकी वही कलर हाईलाइट होगी। और हाईलाइट ही नहीं होगी और मेंटेन भी रखे, जैसे 31 है कल के डेट में अगर 81 हो जाता है तो ये हाईलाइट हो जाएगा, अगर 88 जो है कल के डेट में 18 हो जाता है तो हट जाएगा। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं एक बार देख लेते हैं, ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू को। तो ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन में आप 3 चीज़ें डाल सकते हैं, नंबर डेट एंड टाइम। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर 13 जनवरी 2020 से पहले की डेट हाईलाइट करनी है तो आप यहाँ पे लेस देन लिखेंगे यहाँ पे 13 जैन। अब देखिए करेंट ईयर होता ना, 21 होता तो मुझे आगे डालने की जरूरत नहीं थी, ईयर डालने की जरूरत नहीं थी, बट प्रीवियस ईयर है तो मुझे ईयर डालना पड़ेगा, तो 13 जैन से पहले की सारी डेट हाईलाइट होगी। बट इसमें टेक्स्ट नहीं दे सकते,
अब ऐसा ही ले सकते कि ग्रेटर देन पूजा सॉरी लेस देन पूजा, ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में उसके लिए इक्वल टू है, इक्वल टू में आप कुछ भी डाल सकते। जैसे मैंने देव डाल दिया तो जहां जहां देव है वो हाईलाइट हो गया, और फॉर्मेटिंग तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं आप। इक्वल टू में कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर टेक्स्ट डेट टाइम एवरीथिंग एग्जैक्ट सेल वैल्यू। उसके बाद था टेक्स्ट दैट कंटेन। अब जैसे मेरा नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूजा है और पूजा सिंह है। अब मेरे हिसाब से दोनों सेम पर्सन है, किसी ने पूजा लिख दिया किसी ने पूजा सिंह कर दिया। तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूं और यहां आता इक्वल टू, इक्वल टू में अगर मैंने मान लीजिए पूजा दे दिया तो पूजा सिंह जो है वो हाईलाइट नहीं होगा, सिर्फ पूजा होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एज अ डेट एज अ टेक्स्ट दैट कंटेन यहाँ पर दिखा हुआ है टेक्स्ट दैट कंटेन का यूज करते हैं। इसमें मैं पूजा डालूंगा तो पूजा भी हाईलाइट होगा और पूजा सिंह भी होगा, ठीक है। इसी में आपका डेट है, अगर डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ पे 20 सितंबर का डेट डाल दिया, तो इसमें अगर मान लीजिए कि मुझे आज की सिस्टम डेट हाईलाइट करनी है तो इक्वल टू पे चलो आपने लिख दिया 26 सितंबर, हाईलाइट हो गया। बट ये फिक्स तो नहीं रहेगा ना, ये चेंजेबल है, हर दिन चेंज होते रहेगा ना ये डेट हमारा, लेकिन यहाँ तो चेंज नहीं होगा। तो यहां आप क्या करेंगे, एज ए डेट ऑफरिंग के अंदर यहां पे मैंने टुडे सेलेक्ट कर लिया। हमने क्या किया, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए एज ए डेट ऑफरिंग और यहां पे मैंने टुडे सेलेक्ट कर लिया। तो आज 25 सितंबर हाईलाइटेड है, कल आप इसको खोलेंगे तो यहां पे 26 है, 27 होगा, 28 होगा। तो सिस्टम के साथ साथ ये अपने आप को चेंज करते रहेगा। ओके, कुछ इस तरह से। और फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसी तरह से डुप्लीकेट वैल्यू, सिलेक्टेड सेल में अगर कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है तो उसको ये हाईलाइट कर देगा, मोर देन वन टाइम है तो उसको हाईलाइट कर देगा। तो हाईलाइट सर्विस में पढ़ा ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन डेट ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आता है आपका टॉप बॉटम। अगर टॉप 10 कर देंगे तो सिलेक्टेड एरिया में या कॉलेज जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे उसे टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20 जो भी होगा वो आपको हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही बॉटम 10 करेंगे तो बॉटम 10 हो जाता है। अबव एवरेज जो सिलेक्टेड सेल में जो एवरेज है, जैसे एवरेज क्या है 51, तो 51 से ऊपर हाईलाइट हो जाएगा और बिलो एवरेज आपका 52 से हाईलाइट। और जैसे वैल्यू चेंज होगी एवरेज चेंज होगा और आपका फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाएगी। डेटा बार में एक बार बना के आपको इसका पोजीशन बताता है कि पूरे सेल में क्या पोजीशंस है। इसको अलग समझाते हैं तो समझ में आएगा आपको। जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 दे दिया, राइट। अब मुझे इसमें क्या करना है कि अगर मैंने इसमें अगर डेटा बार यूज किया तो जैसे जैसे देखिए हमारा नंबर बढ़ रहा है उसी से यहाँ पे इसने डेटा का बार बढ़ाया हुआ है। इससे हमें पता चल जाता है पूरे डेटा के ऊपर, जो बड़ा बड़ा डेटा में हम चार्ट नहीं लगा सकते वहाँ पे इसका यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे कलर स्केल है, एक कलर से इंडिकेट करता है कि लोअर ग्रीन रेड टू ग्रीन, जितना लोअर है उतना रेड है, जितना हाई उतना ग्रीन है। क्लियर है तो आपको क्लियर बताने के लिए ये आपको आइकन सेट है, आइकन के जरिए आप क्लियर समझा सकते हैं क्या है। अब आइकन का यूज एक जगह और भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारा क्वार्टर वन है और क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन में मान लीजिए 50 है, क्वार्टर टू में 55 है। तो इसकी कंपेयरिंग दिखाने के लिए आपको कौन ज़्यादा कौन कम, तो आप यहाँ पे आइकन इस्तेमाल कर लेंगे तो इस तरह से आपको ज़्यादा दिखा। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि इसमें हर जगह पे मोर रूल्स हैं। देखिए इसमें बहुत सारे कंडीशन मिसिंग आपको दिखेगा, जैसे कि ग्रेटर देन लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन है नॉट बिटवीन, इक्वल टू है नॉट इक्वल टू,
ये चीज़ें नहीं है। तो मोर रूल्स में जाएंगे तो सारा मिलेगा। जैसे मोर रूल्स में देखिए यहाँ पे आया, ये देखिए पूरा है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, एवरीथिंग यहाँ पे दिख रहा है। यस ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बाकी जो तो नॉर्मल है जो बाहर है, इसमें एक और फॉर्मूला, आप अपने हिसाब से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि कोई अगर टेक्स्ट लिखे तो हाईलाइट हो जाए, से कुछ लिख दिया तो टेक्स्ट है, कैसे पता चलता है? इज टेक्स्ट नाम के फॉर्मूला से। इज टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला बताता है कि आपका कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा फॉल्स है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्रू फॉल्स पे ही चलता है। तो न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। अब और फॉर्मूला लगाते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप सिंगल सेल सेलेक्ट करें। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक एंटायर कॉलन, एंटायर एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, बट यहाँ एक सिंगल सेल ही आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं एज टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने कर दिया ए टू, और यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, फॉर्मेट पेंटर से लिए और हमने यहाँ पे पेंट कर। ठीक है, जैसे ही हमने टेक्स्ट लिखा यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, बट फॉर्मूले अभी पढ़े नहीं है। फॉर्मूले के बाद आप इसमें अपनी मर्जी से जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, थीके?